Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India. And today we have a Royal gun. This looks royal, this looks unique, this looks out of the world. This is Caplock gun, guys. You must have seen this kind of gun in World War time, or maybe earlier than that. And this, you know, you guys, you have seen this gun in a lot of Rajasthan, you know, big palaces, bade bade kilao mein isko lagaya jata tha. Aur agar maybe kuch logon ke paas abhi bhi is tarah ke collection honge, I will love to see that collection. Agar aap logon ke paas hai, please aap mail kar sakte hain hame, and I will love to watch them, uske photographs. So today we are going to talk about this gun. And ye hai kya, ye totally handcrafted, guys, hai. Ye pura haath se banaya jata hai, aur ve unhi karigaron se banaya jata hai jinhone jo purane time se banate aate hain. तो ये अभी क्या है कि फैमिलीज की ट्रेडिशन है, मतलब जिनके दादा के दादा वेपन्स बनाते थे, आजकल वो लोग बनाते हैं अभी भी. तो ये ट्रेडिशनली पास किया आता है टेक्निक कारीगरों का. तो ये बेसिकली पूरा हाथ से बनाया गया है, ऑल हैंड क्राफ्टेड. दिस इज़ ऑल मेटल, है ना, एंड दिस इज़ वुड. तो इसे हाथ से बिल्कुल घिसते हैं वो लोग पूरा. ये बिल्कुल असली गैस है. अब होता क्या था, हाउ दिस यूज़ टू वर्क, पहले के ज़माने में यहाँ से बारूद भरते थे गाइस वो लोग, फिर उसके अंदर लोहा डलता था, कपड़ा डालते थे, और इस रॉड से, दिस इज द रॉड, दे यूज टू पुश इट इनसाइड वेरी टाइट. देन गाइस होता क्या था, लेट मी शो यू, दिस इज अ पार्ट इन द बैक, यहां भी बारूद भरते थे. एंड देन व्हेन दे यूज टू फायर इट लाइक दिस, देर यूज टू बी अ ब्लास्ट, धमाका होता था, एंड द प्रोजेक्टाइल जो चेंबर में हुआ करता था वो फायर होता था, बूम. ना जस्ट इमेजिन अभी के ज़माने में, यू नो, उस टेक्नोलॉजी से लड़ाई करना उस तरीके से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अब तो सब ऑटोमेटिक आ गया है. बट इट हैज़ इट ओन, मतलब इसके अंदर ना गाइस अपना एक चार्मनेस है, अपना एक रॉयल फीलिंग है. अगर आप इसे चाहें तो अपने विला के अंदर लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में सजा सकते हैं, एंड कैन डू लॉट ऑफ स्टफ. इफ़ यू आर गन कलेक्टर तो आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू बाय दिस, वी विल बी प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, जहाँ से मैनुफैक्चर होता है वहाँ से वो आता है अप्रूव करके. ईच गन हैज़ दिस यूनिक नंबर, तो सर्टिफिकेट पर आपका नंबर होगा इस आपके वेपन का, द यूनिक नंबर. एंड अगर आप लोग आर्म्स एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 18 जुलाई का जो आया था नोटिफिकेशन, उसके अंदर रेप्लिका गन्स के लिए लाइसेंस नहीं लगता है, ओनली द मैन्युफैक्चरिंग जहां से बनता है उनको लाइसेंस लगता है. कीपिंग इट डजंट रिक्वायर लाइसेंस, सेलिंग इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लाइसेंस. इफ यू नाउ बाय दिस, जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड परचेस इट गाइस. मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा. और ये गन अगर आप कुछ लोग के दिमाग में है ना आ रहा होगा ख्याल, क्या इसे असली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं गाइस. इसके अंदर बैरल में छेद कर दिया गया है अंदर ऐसा कि आप इससे असली की तरफ चला नहीं सकते हैं. सो डोंट इवन थिंक ऑफ दैट, इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइस. अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वेबसाइट पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर कुछ सजा हो, अगर कुछ आप लोगों के पास ऐसी गन्स हैं पुराने ज़माने की, तो प्लीज़ मेल अस, वेबसाइट पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा. एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच, हैव फन.